गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने इवनिंग से बनाना स्टार्ट करा है, तो 6 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले सारे कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी, तो मैं फटाफट सारे कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़े फोल्ड हो गए हैं और अब मैं आ गई हूँ ऊपर और सबसे पहले मैं लाइट जलाऊंगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में जाऊंगी, 2-3 मिनट थोड़ा खड़ी होंगी क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा अच्छा लगता है, हवा भी चलती रहती है। और अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं किचन में जाके जो बर्तन हैं थोड़े बहुत उनको वॉश कर लूँगी। तो साबुन ख़त्म हो गया है बर्तन धोने वाला, मैंने नया निकाल लिया है और मैं किचन में ही रख लेती हूँ साबुन को। और सबसे पहले मैं बर्तनों को वॉश करके रख देती हूँ क्योंकि शाम को ज़्यादा काम तो रहता नहीं है, बस थोड़ा सा रहता है, झाड़ू लगानी रहती है और उसके बाद किचन का रहता है, मगर एक हद काम एक्स्ट्रा निकल आता है। जैसे आज मुझे कपड़े फोल्ड करने थे क्योंकि कपड़े धोने के बाद कभी कभी तो मैं तुरंत ही फोल्ड करके रख देती, कभी मन नहीं होता है तो रखे रह जाते हैं आलस में, या गर्मी की वजह से इच्छा नहीं होती है इतने कपड़ों को फोल्ड करने की। तो सिर्फ आज वही एक एक्स्ट्रा काम था मेरा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बर्तनों को वॉश कर दिया है और अब मैं पूरा स्लैब और गैस भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि खाना बनाने से पहले मैं एक बार पूरा क्लीन कर लेती हूँ ऊपर से स्लैब और ये गैस को, उसके बाद ही फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। और खाना बनाने के बाद भी एक बार मैं पूरा किचन फिर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी और तभी फिर मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो अब मैं जा रही हूँ ये दाल भिगोने के लिए। ये उड़द की दाल है, धुली उड़द की दाल, तो इसको मैं भिगो दूँगी क्योंकि सुबह फिर मुझे इसकी पकौड़ियाँ बनानी है और कल से बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। अभी तक तो छुट्टियाँ चल रही थी लेकिन अब कल से स्कूल जाना स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए सुबह सुबह कुछ ना कुछ ऐसा रहता है झटपट वाला, तो मैं बच्चों को ये पकौड़ियाँ बना के दूंगी। तो इसलिए मैंने दाल भिगो दी थी और अब मैं जा रही हूँ आटा गूँधने के लिए। तो बस फ्रेंड, अब मैं आटा गूँध लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे दाल और रोटी बनानी है। और यहाँ पे ये देखिए ओम आ गया है खेलने के लिए क्योंकि ये इवनिंग में ही आता है खेलने के लिए। और चिंटू भी यहीं पर है अभी मेरे पास, इसलिए अभी ये दोनों लोग खेलने जाएंगे। ताई जी, खाना बन गया? बन रहा है बेटा। क्या बनाए खाने में? आज बन मैंने तो खेल रहे तो मैं बना लेती हूँ झटपट से खाना और बच्चे खेलने जा रहे हैं नीचे। ओके। तो बस यही फ्रेंड मेरा था इवनिंग रूटीन, यही रहता है अक्सर, सभी लेडीज़ें यही करती होंगी और मेरा तो यही रहता है, सिर्फ शाम को खाना बनाना रहता है, ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अपने अगले व्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।